अस्सलाम वालेकुम आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज मैं आप सबके साथ ना अपना रिंग लाइट जो मैंने बाय की है वो आपके साथ शेयर करूँगी और डेक और जो रीऑर्गेनाइजिंग का काम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं करती हूँ एंड जो है साथ में मैंने अपनी वॉइस ओवर नहीं करके अपनी रियल वॉइस में वीडियो बनाई तो आप सब वो भी ज़रूर देखना और पूरे ब्लॉग को एंजॉय करना तो चले शुरू करते हैं ये संडे को जो मैंने शूट किया था तो संडे के दिन दिवाली थी तो मैंने वो क्लिप्स भी जो थी वो भी आपके साथ शेयर करी तो मुझे कोई प्रॉपर वीडियो तो नहीं मिली कि मैं फ्लावर वाला अपलोड कर सकूं मैं छत पे भी नहीं गई तो जो भी मुझे दिखा मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं तो आप सब एंजॉय करना तो ये रिंग लाइट मैंने ऑर्डर की थी ओसाका ब्रांड की अमेजॉन से तो आज ही वो आई थी संडे के दिन तो मैंने सोचा कि मैं ये भी ब्लॉग में ऐड कर लेती हूँ और आप सबको दिखा देती हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी है एंड ऑल तो आप सब ज़रूर देखें अगर आप सब भी रिंग लाइट परचेस करना चाहते हैं तो ओसा का ब्रांड की परचेज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर परचेज़ करें एक्चुअली ना मेरे पास पुरानी भी एक रिंग लाइट थी लेकिन वो ख़राब हो चुकी थी उसमें लाइट ही नहीं आ रही थी उसकी जो वायरिंग थी वो टूट गई थी तो फिर मैंने सोचा कि अब ये सिर्फ ट्राई पॉड बन के रह गया है लेकिन रिंग लाइट तो ये है नहीं और फिर आई मीन ने भी कोशिश की कि वो उसको ठीक कर सके लेकिन नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा कि अब नया बाई करना ही पड़ेगा पहले तो खैर मैंने शौक से बाई की थी बस ऐसे ही अपना फ़ोटो शूट कर सकूँ और अपनी वीडियोस वगैरह ले सकूँ क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है तैयार होकर अपनी तस्वीरें लेने का कोई होता नहीं है तस्वीर लेने मैं खुद ही अपने रिंग लाइट से ले लेती हूँ एक्चुअली जो है ना बचपन से ही बहुत शौक़ है तैयार होने का एंड यू नो मेरे फादर भी बहुत कोऑपरेटिव मुझे करते हैं इस मामले में कि मैं बहुत तैयार रहा करूं अच्छे दिखा करूं और फिर वो मेरी फ़ोटोज़ लेते थे बचपन में लेकिन अब मेरा शौक ही बन गया है कि मैं अपनी फ़ोटोज़ वग़ैरह खुद ही लूँ वैसे तो मैं वहाँ यहाँ अपना फ़ोन फ़िट करके ले लेती हूँ अगर ना फिट करना पड़े तो मुझे ट्राई की ज़रूरत पड़ जाती है लेकिन अभी मैंने रिंग लाइट यूट्यूब के लिए बाई की है ताकि मैं इसको एज़ अ यूट्यूब के लिए भी इस्तेमाल कर सकूं और अपना शौक़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकूं तो अभी मैंने जब रिंग लाइट लेने का सोचा ना तो जब मैंने अमेज़न में देखा तो बहुत सारी ऑप्शंस थी मेरे पास लेकिन मुझे स्टैंडर्ड वाला चाहिए था ताकि वो टूटे नहीं उसकी वायर ना निकल के आए या फिर उसकी रिंग लाइट में जो लाइट होती है वो ख़राब ना हो तो मैंने सोचा कि एक ही बार अच्छी इन्वेस्टमेंट करके ले लेती हूँ तो फिर जो है ना मैंने ओसा का ब्रांड का चूज़ किया रिंग लाइट क्योंकि ये रीज़नेबल प्राइस में भी था बजट में भी था एंड यू नो ग्रेट इंडियन रिल फेस्टिवल का सेल भी चल रहा था अमेज़ोन पे तो मैंने सोचा कि अभी ख़रीद लेती हूँ वरना बाद में ये टू थ्री हंड्रेड बढ़ के हो जाएगा ना तो फिर मैंने सोचा कि अभी ओके है तो बाई कर लेते हैं एंड मैंने बाई कर लिया जब मैंने इसको ओपन किया ना तो मुझे ये बहुत डिफरेंट लगा आई डोंट नो कि इसको कैसे वगैरह फिट करते हैं तो खुद ही से जो मुझे ठीक लगा वैसे मैं फ़िट करते जा रही थी और यहाँ मैं खुद से बातें नहीं कर रही थी मॉम वेजिटेबल क्रॉसरी के लिए जा रही थी तो मैं उनसे बातें कर रही थी उनके साथ ना मुझे भी जाना था लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि शूट वग़ैरह मुझे करना था एंड आज अपलोड भी करना था तो आज भी मैंने शूटिंग की है वो भी इन ज़रूर जल्दी अपलोड कर दूँगी टाइम ही नहीं मिल रहा यार तो मैंने सोचा कि अभी डिले करूँगी तो बहुत डिले हो जाएगा तो मैंने सोचा कि जो काम कल करते हैं वो आज ही करें तो अच्छा रहता है तो यहाँ मुझे ना जितना समझ आया था मैंने ख़ुद ही से फ़िट कर दिया था रिंग लाइट को और जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था वहाँ फिर मैंने पैम्पलेट उठाया और देखा कि क्या चीज़ कैसे फिट करते हैं तो फिर मैंने देखा और शुरू कर दिया वैसे मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो बिना पैम्पलेट देखे या फिर बिना हाउ टू यूज़ वग़ैरह देख के ऐसे ही खुद से अपने काम करते होंगे तो फिर जब समझ ना आ रहा हो तो फिर वही पैम्पलेट या फिर जो भी किताब उन लोगों ने दी होती है फिर तब जाके वो ओपन करते हैं एंड फिर तब जाके पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद फिर वो अमल करते हैं है ना तो यहाँ मेरा रिंग लाइट हो गया है रेडी इसको मैंने प्रॉपर अच्छी तरीके से फिट कर दिया एंड इसकी वायर भी बहुत लंबी थी माशाल्लाह बहुत अच्छा और प्यारा रिंग लाइट मैंने ऑर्डर किया है अपने लिए तो यहाँ मैं इसको अडेप्टर के साथ अटैच करूँगी ये सैमसंग का था मेरे पास पुराना तो उसी के साथ मैं इसको अटैच कर दूंगी और फिर आपको दिखाऊँगी भी पूरा तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर लिया है एंड पीछे की तरफ इसके बटन्स दिए गए हैं एंड ऑन ऑफ के एंड चेंजिंग लाइट्स के और फिर उसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके भी लाइट्स यहाँ पर दिए गए हैं आप देख सकते हैं कि थ्री लाइट्स मुझे आए हैं एक वार्म कलर का एक येलो स्टोन का और एक ब्लू टोन का ट्रस्ट मी बहुत अच्छी क्वालिटी रिसीव हुई है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इसको ऑर्डर कर लिया वरना अब मुझे डर नहीं लगेगा कि इसके वायर एंड ऑल या फिर उसकी जो रिंग लाइट की जो ट्यूब होती है वाइट वाली वो भी नहीं टूटेगी एंड माशाल्लाह मेरी हाइट से भी काफ़ी लंबा है ये और अगर मैं कंपेयर करूँ इसको अपने पुराने वाले रिंग लाइट से तो ये बहुत ही लंबा है एंड जो पुराने वाले की हाइट है वो मैंने पूरी खोल दी है ओपन कर दी है उसकी हाइट उतनी ही है जितने की आप देख सकते हैं और ये वाली जो वायर है ना मैं वही कह रही थी आपसे कि वो निकल गई है और वो यूज़ भी नहीं हो रही और वाइट कलर का जो है ना वो भी बार बार खुल के आ रहा है सो so, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मिरर पे कि ये मेरी हाइट से भी बहुत ज़्यादा है लंबा है तो आपने देख लिया रिंग लाइट का तो अब चलते हैं रीऑर्गेनाइजिंग की तरफ जो मुझे करना है तो मैं लेके आई थी यहाँ पे टेबल मैट्स एंड टेबल कवर वग़ैरह भी मैं लेके आई थी मैं बहुत टाइम पहले से सोच रही थी कि अपने डाइनिंग एरिया को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज़ करूँ थोड़ा डेकोर करूँ ताकि उसकी लुक अच्छी आए एंड वो नीट एंड क्लीन भी दिखे तो मैं यहाँ पर टेबल मैट्स ब्लैक कलर के लेके आई हूँ मुझे ज़्यादा वेराइटी मिली नहीं शॉप पर अगर आपको ऐसी मैट्स चाहिए तो अमेज़ॉन भी बहुत सारे हैं एंड जो डाइनिंग कवर और जो शीट मैंने ली है ना सेल्फ़ के लिए वो आपको मिल जाएगी अमेज़ॉन पे अगर लिंक चाहिए तो कमेंट्स बोल में बोल दीजिएगा मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी थ्री आइटम्स लेके आई थी मैं बाज़ार से और मैंने कोई अमेज़न से बाय नहीं किया लेकिन अगर ये सेम आपको चाहिए ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट शीट तो आपको मिल जाएगा अमेज़ोन पे एंड जो शीट वग़ैरह मैंने सेल्फ के लिए ली थी वो भी आपको मिल जाएगा अमेजोन पे ये देखें ये दिखने में तो ब्लैक कलर की आपको शेड नज़र आएगी लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है अगर आप इसको ओपन पूरा करके डालेंगे एंड थोड़ी सी कोल्ड डिज़ाइन साइड्स पे बॉर्डर्स पे इन होने दी है तो जिससे कि ये अट्रैक्टिव लगेगा एंड उसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी तो ये जो ब्राउन कलर की शीट है ना वो मैंने ली थी पीछे की सेल्फ के लिए ब्राउन कलर का सूट होगा तो मैंने वो लिया एंड सामने से जो है थोड़ा क्रिस्पी वाला है एंड पीछे से जो है वो प्लेन है एंड ये भी वाटर प्रूफ है एंड बहुत सारा मुझे आ गया था ये भी एंड दोनों मैंने डाइन टेबल का शीट और ये सेल्फ़ वाला शीट मिला के मुझे टोटल सेवन फिफ्टी वगैरह कुछ पड़ा एंड जो टेबल मैट्स है वो मैंने फोर हंड्रेड में ली थी सिक्स पीसेस की एंड मैंने सोचा काम शुरू करने से पहले बॉडी को थोड़ा एनर्जी दिया जाए कॉफ़ी शॉफ़ी पी लिया जाए एंड बॉडी को बूस्ट कर लिया जाए मुझे जो है ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ डाइन टेबल से शुरुआत करूँ सफाई की या फिर ये डाइन टेबल के सब से शुरुआत करूँ सफाई की तो अभी जो है मैं ये ज्वेलरी वगैरह सब पहन के इस हालत में तो साफ सफाई नहीं कर सकती तो थोड़ा सा दुरुस्त करके आ जाती हूँ अपने आप को एंड उसके बाद जहाँ से आसान होगा ना वहां से शुरू करेंगे ये जो आवाजें आ रही है ये क्रैकर्स की आवाज है आप डरिए कहना दिवाल ही दिवाली है तो क्रैकर्स यहाँ पे ज्यादा बर्न होते हैं तो ये वाला सेल्फ था जिसको मुझे डी भी करना था रीऑर्गेनाइज भी करना था शीट्स भी बिछानी थी तो चले जल्दी से शुरुआत करते हैं सफ़ाई की तो मैंने यहाँ पे ना वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी बोर ना हो एंड यहाँ पे स्टार्ट भी कर दी थी अपनी सफ़ाई एंड पहले जो है मैंने सारा सामान जो है डाइनिंग टेबल से वो निकाल के रख लिया था साइड पे एंड जब तक मैंने ये निकाल के रख लिया था ना सामान मम्मा भी आ गई थी तरकारी लेके बाजार से तो वो भी मैं आपको शो करती हूँ डिटेल में तो तो नहीं शो करूँगी बस ऐसे ही देख लेना कुछ चीज़ें स्टार बाज़ार से मम्मा ने लाई थी एंड कुछ तरकारी बाज़ार से मम्मा ने तरकारी वगैरह सब लाई थी वीकली ग्रॉसरी के लिए तो वो चीज़ें जो है मैंने साइड पे रख दी और उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट हो गई थी अपनी क्लिनिक के लिए एंड यू नो जब मैंने स्टार्ट किया था ना क्लीनिंग एंड वगैरह जो भी सामान मुझे निकाल के रखने थे तो बीच में मेरी कैट आ गई थी मुझसे मिलने एंड मुझसे चिकन की डिमांड कर रही थी तो मैंने सोचा कि उसको निकाल के डाल देती हूँ अगर ये ऐसे ही आगे पीछे घूमती रही या तो फिर मैं गिर जाऊँगी या फिर यह क्रॉकरी टूट जाएगी मेरे हाथ से तो फिर वो एक जगह खा लेगी बैठ जाएगी तो फिर नहीं आएगी मेरे पास वैसे भी जब कोई भी अगर फ्रिज के पास कोई होता है ना तो इसको ज़रूर आना होता है एंड आगे पीछे घूमना होता है एंड पुकार पुकार के म्याओ म्याओ बोलना होता है तो फिर ना अगर मॉम होती हैं तो मॉम डाल देती हैं चिकन या फिर मैं होती हूँ तो मैं डाल देती हूँ या फिर आईमन या डैड वगैरह भी डाल देते हैं अगर वो होते हैं तो तो यहाँ पे मैंने सारी जो चीज़ें थी अपनी सेल्फ से निकाल के डाइनिंग टेबल के ऊपर रख ली थी तो इतनी ये डस्ट आ गई थी इस पर कि बहुत टाइम से क्लीन नहीं किया हुआ था मैंने भी और मॉम ने भी तो मैंने सोचा कि अब इसकी बारी आ गई है तो शुरुआत करते हैं क्लीनिंग की तो मैंने यहाँ पे एक जग में ना डिश वॉशिंग लिक्विड ले लिया था एंड स्पॉन्ज वाइप के साथ मैंने उसको क्लीन करना था तो स्पॉज वाइप एंड डिश वॉशर के साथ मैंने सारा सेल्फ जो है वो क्लीन कर लिया था एंड जिस एरिया में मैं रीच नहीं हो सकती ऊपर के एरिया में तो फिर मैंने चेयर के हेल्प से ऊपर चढ़ के भी क्लीन कर लिया था वैसे अगर काम को डिले करते जाए ना तो वो काम और भी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप सब भी ना कभी किसी काम को डिले ना करें वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बाद में तो यहाँ पे ना मैंने अपनी पूरे सेल्फ की चारों तरफ से क्लीनिंग कर ली थी स्पॉन्ज वाइप से डिश वॉशर लिक्विड से एंड फिर प्लेन वाटर से एंड अब मैं शीट्स वग़ैरह जो है वो कट करके लगाऊंगी इस पर सो तो यहाँ पे मैंने अपनी तैयारी करके रखी है कि मैं नीचे बैठ के ये सब सारा जो काम है वो करूँगी सो so, यहाँ पे मैंने मार्किंग वगैरह ले ली थी सेल्फ़ की तो यहाँ पे शीट को उसके अकॉर्डिंग मैं कट करके एंड उस पर शीट को लगा दूँगी सेल्फ पे तो यहाँ पे मैंने एक शीट को देख लिया है कट करके लगा के तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं सारे बाकी के जो है उसको भी कट करके लगा दूंगी सेल्फ पे यहाँ पे मैंने सारी कटिंग वगैरह कर ली थी और ये हालत मैंने की हुई थी नीचे की तो इसको भी मुझे क्लीन करना था एंड जो सेल्फ के नीचे जो एरिया है वो भी बहुत गंदा और ख़राब हो चुका है तो मैंने सोचा कि उसको भी बाद में क्लीन कर लेते हैं लेकिन अभी टाइम नहीं है तो ये मैंने सेटिंग कर दी है शीट्स की तो जब चीज़ें इसमें बिछा के रख दूँगी तो ये प्रॉपर सेट हो जाएंगी तो जो सारी चीज़ें थी ना मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दी थी तो उसमें से जो क्लीन है वो मैं सेल्फ पे रख दूँगी और जो नई क्लीन है ना उसको मैं वाटर से साफ़ करके रख दूँगी सेल्फ़ पे सिर्फ जो क्रॉकरी की सामान थी ना वो मैं यहाँ पे सेट करके रख रही थी तो बाकी के जो अननेसेसरी चीज़ें थी जो मुझे ज़रूरी नहीं लगे तो फिर मैंने उसको साइड पे रख दिया था मॉम जो है उसको बाद में ना साइड पे निकाल के रख देंगे अगर वो नेसेसरी हैं तो ओके करके रख देंगे या फिर अननेसेसरी हैं तो निकाल के बाहर फेंक देंगी तो यहाँ पे मैंने सारी जो क्रॉकरी थी वो सेट करके रख दी और सारी शीट्स वगैरह बिछा दिए ये वाला काम डन हो गया तो देखें जी कितनी अच्छी तरीके से मैंने कर दिया अच्छी ना भी लगी आपको तो ज़रूर वीडियो को लाइक तो कर दें और ये वाले काम तो हो गए आप चलते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ वो वाला तो रह गया है ना तो चलें उसका मैं आपको बताती हूँ तो शीट बिछाने से पहले ना तो मैंने सोचा कि डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी तो मैंने अच्छी तरीके से डाइनिंग टेबल को यहाँ पे क्लीन कर लिया था फिर जो है मैं इस पर मैट्स एंड शीट वग़ैरह बिछाऊंगी पहले तो ना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से मैट्स की सेटिंग करूं जैसे कि चेयर्स को मैंने सेट किया था वैसे सेट करूं या फिर अपने स्टाइल से सेट करूं तो फिर मुझे समझ आया कि नहीं जैसे चेयर्स होते हैं वैसे ही मैं सेट करके रखूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो ये वाले जो सेटिंग है ना आपको दिखाने के लिए रखे हैं कि कितना अच्छा दिख रहा है ना टेबल मैट्स अगर आप चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं अमेज़न से एंड अब मैं अपने तरीके से बिछा के ना अपना ये शीट जो है वो बिछाऊंगी तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया इस शीट को डाइनिंग टेबल के और उसके बाद मैं ऊपर से इसकी सफाई कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह है ना वो निकल जाए एंड फिर ये नीट एंड क्लीन दिखेगा फिर उसके ऊपर मैं सेटिंग कर दूँगी फिर ये डन हो जाएगा वैसे बहुत मुश्किल होता है ये सारे एक्स्ट्रा काम अकेले करना अगर आपके हेल्प के लिए कोई हो तो बहुत आसानी हो जाती है वरना अकेले करना हो तो थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत होती है तो एंड डिले भी हो जाते हैं कई सारे काम ऐसे वैसे कोई बड़ी बात नहीं होती कोई भी काम अकेले करना अच्छा ही होता है कि अपने काम खुद ही करें किसी के हेल्प ना लें लेकिन कई बार हेल्प लेना ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि एक वक्त में बॉडी सपोर्ट भी नहीं करती ना इतने सारे काम करने को डेली रूटीन के साथ अब तो बहुत स्पेशली सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करें इन सारे एक्स्ट्रा कामों में ताकि आपका घर नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज भी रहे और अच्छा भी लगे तो so, ये मेरा काम कंप्लीट हो गया है दूसरा भी डाइनिंग टेबल को रीऑर्गेनाइज़ करने का और डेकोर करने का सो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो शुक्र है कि मेरे दोनों काम ना सही से हो गए तो यहाँ पे जो रिंग लाइट मैं आपको दिखा रही हूँ ये पुरानी वाली है तो डैड ने इसको सही करने की कोशिश की थी तो वो इसको सही करेंगे बातें उन्होंने कहा कि इसको साइड पे रख दो तो मैं इसको साइड पे रख दूँगी एंड ये जो हॉल में जो कचरा वगैरह पड़ा हुआ है ना तो वो भी मुझे साफ़ करना है पूरा सो so गाइज अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर देना और उनसे भी ज़रूर कहना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें ये क्रैकर्स जो है ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वॉइस ओवर करूँ या फिर वीडियो बनाऊँ तो ठीक है जी फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए असल अल्लाह हाफिज़